मोदी सरकार के अगेंस्ट विपक्ष काफी हद तक एकजुटता दिखाता है, लेकिन जब राज्यों में चुनाव की बारी आती है तो यही विपक्ष बढ़ता हुआ नजर आता है। और इस समय जो चुनाव है जिस पर सबकी नजरें हैं वो पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, और यही कारण है जो विपक्ष लगातार एकजुटता दिखाता है, कई जगह इकट्ठा होता है मोदी सरकार के अगेंस्ट। वो जब सामने आ गए हैं इलेक्शन यूपी के और पंजाब के, तो कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आता है। कई एग्जाम्पल इसके देखने को मिलते हैं कि जैसे राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट मीटिंग करी, जब बुलाया सबको तो उसमें ना बहुजन समाजवादी पार्टी शामिल हुई ना आम आदमी पार्टी शामिल हुई। जब मार्च निकाला गया संसद किसान आंदोलन की तरफ, जब राहुल गांधी की अगुवाई में मार्च निकाला गया तो उसमें भी बीएसपी नहीं थी, आम आदमी पार्टी नहीं थी। कारण था पंजाब के चुनाव, क्योंकि पंजाब में ये दोनों ही पार्टियां कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ेंगी। और ऐसे में विपक्ष की अपनी जो अपनी राजनीति है, अपना स्वार्थ है, वो सामने दिखाई दे जाता है। और यहां पर वो मोदी सरकार का विरोध करने की बजाय आपस में ही एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर देते हैं। तमाम बातों पर चर्चा आज हम कर रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं। राशिद जी, क्या कारण है कि बीएसपी और आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों में जो दो तीन आयोजन किए हैं राहुल गांधी की अगुवाई में, उसमें नजर नहीं आए? और इसका कारण बताया जा रहा है, जो बात कर रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, उनका कारण यही है कि पंजाब, क्योंकि पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और जो जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी है वो भी कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, मायावती बगैर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कोई कदम उठा नहीं सकती। लगातार पिछले 5-6 सालों में पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बीजेपी की मदद की है, बीजेपी के साथ खड़ी हुई है, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन कोई भी विपक्ष का दल अगर इकट्ठा नहीं होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा। तो यहाँ पे राशिद अल्वी जी ने सीधा वार किया है बहुजन समाजवादी पार्टी पर, बी टीम बताया है बीजेपी की, और इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी को भी चपेट निशाने पर लिया है कि जो मदद नहीं करेंगे, जो इस समय खुलकर सामने नहीं आएंगे, उनसे यही लगेगा कि वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो विपक्ष की एकजुटता जो है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं। अब अकाली दल की बात करें, पंजाब में इलेक्शन है, कई मुद्दों पर अकाली दल कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जब मोदी सरकार को घेरना होता है, लेकिन जब किसान आंदोलन किसान बिल की बात आती है तो कांग्रेस और अकाली दल एकदम आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। कारण यही है कि पंजाब में चुनाव है और दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा होना है। और हाल ही में संसद के बाहर की जो बात जो हुआ माजरा, वो किसी से छुपा नहीं था। हरसिमरत कौर जो अकाली दल की सांसद है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो बालियां जो है गेहूं की बालियां सबको प्रेजेंट कर रही थी। और ऐसे में इस मौके पर जो है कांग्रेस के सांसद वहां पर आ गए पंजाब के, उन्होंने हरसिमरत कौर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आपके टेन्योर में जब आप मंत्री थी तब जो है किसान बिल पास हुआ था और अब जो है ये ड्रामा कर रही है। दूसरी तरफ हरसिमरत कौर का कहना था कि कांग्रेस ने वॉकआउट किया था पार्लियामेंट से और मौका दिया था मोदी सरकार को बिल पास करने का। तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और कारण बिल्कुल साफ है कि चुनाव सामने आने वाले हैं, बिल्कुल सामने हैं। राशिद जी, क्या लगता है कि कांग्रेस और अकाली दल कई बार लगता है साथ खड़े हैं, कई बार लगता है अलग खड़े हैं, आप क्या कहेंगे? अकाली दल आज किसानों का हितैषी बन रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार सरकार का हिस्सा बने रहे हैं। न सिर्फ ये हिस्सा बने रहे, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा राज्यसभा के अंदर सपोर्ट करते रहे। किसानों के कानून के वक्त भी वो एनडीए का हिस्सा थे। आज पंजाब का चुनाव आ रहा है तो उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आ जाएगी, इसलिए किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल पहले उन्हीं की सरकार थी, पंजाब को तबाह कर दिया। ड्रग्स माफिया का ताल्लुक बताया जाता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ था। दुर्भाग्यपूर्ण है, पंजाब की नई नस्ल को तबाह कर दिया, उसमें किसान के बेटे भी शामिल थे। आज
अगर अकाली समझते हैं कि वो दूध में धुले हो गए तो पंजाब की जनता ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में किसानों के लिए जितनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, न सिर्फ ये कि पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर किसानों के हितों को लेकर कांग्रेस पार्टी सबसे पहली सफ में खड़े होकर लड़ाई लड़ती रही है, ये बात किसान जानता है। 70,000 करोड़ का कर्जा किसानों का कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए ने माफ किया था, ये बात किसान जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अकाली शामिल थे, डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छूने लगी, क्या ये किसानों का हित है? जो कानून बना है क्या वो किसानों के हित में बना है? पूरे देश के अंदर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हुए नजर आए हैं, और आज भी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस पार्टी किसानों से शाना बशाना मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रही है, और उस वक्त तक लड़ती रहेगी जब तक किसान फतेह का झंडा बुलंद नहीं करते, जब तक किसानों की फतेह नहीं हो जाती है। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को छोड़ने वाली नहीं है, और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर से पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो राशिद जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अकाली दल के टाइम पर ही बिल पास हुआ है, अब जो कर रहे हैं सब दिखावा है, और कांग्रेस ने हमेशा ही किसानों का समर्थन किया है, कांग्रेस के टाइम पर ही लोन पास हुए हैं, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है दोस्तों कि 70 से ज्यादा साल कांग्रेस ने राज किया है, और किसानों की हालत जो है बद से बदतर ही हुई है, कोई बड़ी नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार आई हो, किसान आज भी तरसते हैं कि उनको जो मूल्य है उनका फसलों का मिल जाए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो कम्युनिस्ट की सरकार रही हो बीच में, चाहे वो किसी और दल की सरकार हो, या अब वो भाजपा की सरकार है, जो किसान है वो कहीं ना कहीं अभी भी बिल्कुल लगता है सबसे दबा कुचला तबका है, अन्नदाता है, लेकिन अभी भी उसको जो मेहनत करके फसल उगाता है उसकी उसको पूरी भरपाई नहीं मिल पाती है। और इन सब के बीच ये एक बात तो बिल्कुल साफ है कि विपक्ष जो दिखावा करता है कि हम सब एकजुट हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं तो सारा विपक्ष बिखरता हुआ नजर आता है। और हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो, और एक बात और यहां पर है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, और अब सपा जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में राहुल गांधी अगर कोई विपक्ष की बैठक लेते हैं तो हो सकता है सपा भी उसमें पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि आगे जाकर उसको कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ना है। और इन सबके बीच एक बात तो बिल्कुल साफ है, विपक्ष दावा करता है कि हम एकजुट हैं, लेकिन जब लीडरशिप की बात आती है तो हर किसी को लगता है कि हमारा नेता लीडर बने वो ही प्रधानमंत्री बने, अगर लीडरशिप होती है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की बात हो, उसके सांसद खुलेआम कह चुके हैं ममता बैनर्जी में वो क्वालिटी है, उधर शिवसेना है, उधर ठाकरे को आगे बढ़ा रही है, सपा के जो बहुत से नेता हैं वो कहते हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के काबिल है, और उनको जो है गठबंधन जो विपक्ष जो है उसको एकजुट होकर चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये लोग साइड लाइन करते हैं, तो ऐसे में विपक्ष में बिखराव नजर आता है। दोस्तों इस समय जो हालात चल रहे हैं, विपक्ष अगर चाहता है कि वो उसको बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, डेमोक्रेसी तभी सक्सेस हो सकती है जब उसका विपक्ष ऑपोजिशन मजबूत हो। कांग्रेस अब कहीं से भी विपक्ष की पार्टी नहीं रही है, और ऐसे में सभी विपक्षियों को मिलकर एक पार्टी तो जरूर एकजुट तो होना ही है, अगर उसको सरकार की कई नीतियों का विरोध करना है जो उसको लगता है कि देश विरोधी है या देश के लोगों के हित में नहीं है, और ऐसे में अपने हितों को त्यागना होगा, और ये आने वाला समय ही बताएगा कि कब ये पार्टियां अपने पर्सनल हितों को त्याग कर एकजुट होती हैं और सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनाती हैं। तो दोस्तों न्यूज नशा की कोशिश रहती है आपके साथ नए नए मुद्दे लेकर आए, एक्सपर्ट की राय जाने, नेताओं की राय जाने, और मुद्दे हम कोशिश करते हैं हर फील्ड से हो, चाहे वो सोशल हो, राजनीतिक हो या हेल्थ इश्यूज हो। तो दोस्तों इसलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।